नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं सीबीसी क्लास। आपका साइंस का पेपर बहुत अच्छा गया, अब अगला है आपका इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश का पेपर की हम तैयारी करेंगे। कुछ चीज़ें मैं दे चुका हूँ, तो जो इससे पहले मैं बात कर चुका हूँ वो आपके बिहाइव बुक के साथ प्रोज और पोएट्री मैंने बता चुका हूँ क्या क्या आएगी, कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे मोमेंट, मोमेंट में, ठीक है। मोमेंट में आपके चार आपके चैप्टर हैं, ठीक है। लॉस्ट चाइल्ड, एडवेंचर ऑफ टोटो, ठीक है, और द किंग ऑफ द फूल्स, और चौथा है द हैप्पी प्रिंस, ठीक है। तो जितने मैं वर्कशीट से थ्रू थोड़ा मैं कंप्लीट कराऊंगा, जो क्वेश्चन आंसर आपको नहीं मिल पाएंगे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसकी मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दे दूंगा द लॉस्ट चाइल्ड के, क्योंकि द लॉस्ट चाइल्ड की मेरे पास वर्कशीट नहीं है। अगर आपके पास है तो हम वहाँ से भी कवर कर सकते हैं। तो सबसे पहले है द लॉस्ट चाइल्ड, आप देखेंगे सप्लीमेंट्री जो रीडर है मोमेंट्स, तो यहाँ है आपका सबसे द लॉस्ट चाइल्ड, द एडवेंचर ऑफ टोटो लगातार है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर ये नहीं है आपका, कराया भी नहीं गया था, द इन द किंगडम ऑफ फूल्स और हैप्पी प्रिंस लगातार चारों चैप्टर हैं, जो तीसरा तो है ही नहीं, इसका ही मतलब है द लॉस्ट चाइल्ड। पता होगा इसमें एक बच्चा था जो घर आते समय वो रास्ते में काफ़ी देर से आता था, क्योंकि रास्ते में खेलना कूदना उसका, दौड़ना, इधर उधर चीज़ों को नए तरीके से देखना काफ़ी उसको उत्साहपूर्ण था। तो ठीक है, जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपके आपके टेलीग्राम पे मैं प्रश्न और आंसर के साथ समेत दे दूंगा। मैं फिलहाल मैं अभी मैं दूसरे इस पर चलना चाहता हूँ, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, ठीक है। टोटो आपको पता है एक बंदर था, ठीक है। तो ये आपकी जो वर्कशीट है वर्कशीट 25, ठीक है। तो अगर आपको इसकी समरी समझनी है तो आपको द एडवेंचर ऑफ टोटो आपको देखने के लिए वर्कशीट 25 देखनी होगी आपको, और इसमें ऑप्शन वाले हैं लेकिन आपके क्वेश्चन आंसर देने होंगे। तो आप अगर आप इसकी समरी अगर पढ़ लेते हैं, अगर हिंदी में भी समझा रखे अगर ये समझ लेते हैं तो इसके आपके क्वेश्चन आंसर भी बना के लिख सकते हैं। वैसे मैं आज टेलीग्राम पर ज़्यादातर मैं चीज़ें दूंगा जिससे आप लोगों को काफ़ी मदद मिल सकता है। हर चैप्टर के दो दो तीन तीन क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट जरूर दूंगा, ठीक है। और ठीक है, अब फिर भी हमें समरी थोड़ा सा करा दो। एडवेंचर ऑफ द टोटो वाज रिटन बाय द रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है, ऑथर ग्रैंडफादर वाज द फाउंड एन एनिमल, मिलता है इनको एक मिलता है टोटो इसे कई प्रकार के ये पालते भी थे, ठीक है, रैबिट्स, टाइम क्यूरल एंड गोट, कई प्रकार की मतलब कई प्रकार नहीं बकरियां भी पालते थे, मतलब जानवर से इसके इसको दादा बहुत लगाव करते थे। तो इनको टोंगा ड्राइवर होता है, उसके पास एक मंकी होता है, उसको पसंद आता है ये मंकी, उसकी ब्राइट जो आँखें होती हैं ये देख के, और 5 रुपये में ख़रीद लेते हैं इसको, ठीक है, 5 रुपीज़ में ख़रीद लेते हैं। तो घुमा फिरा कि इनको बहुत ही परेशान कर रहा होता है, बाद में इसे वापस करने जाते हैं टोंगा ड्राइवर फॉर द 3 रुपीज़, और इसे 2 रुपये घाटे के चक्कर में इसे वापस भी करके आते हैं, ठीक है। तो एडवेंचर ऑफ टोटोस नेक्स्ट है आपका द किंग इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ठीक है, इन द किंगडम ऑफ फूल्स देखेंगे। इन द किंगडम ऑफ फूल्स वर्कशीट आपकी 44 है, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। अगर आपको कहानी या समरी समझनी है तो आपको वर्कशीट 44 दोबारा से देखनी होगी, अगर आपने देख रखी है तो अच्छी बात है। इसमें देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चार दे रखे हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 20 to 30 वर्ड्स, व्हाट न्यू स्कीम डिड द एडियट किंग्स इंट्रोडक्ट इन द स्टेट्स। अरे उसने वही स्कीम दी थी ना, मतलब एक आना में, ठीक है, एक आना ही चल रहा था ना उसका, आना है डुड्डू, ठीक है, यहाँ देखिए ये रहा डुड्डू, ठीक है, वो एक डुड्डू में सब कुछ ले जाओ, गाड़ी घोड़ा बंगला गाड़ी, ठीक है, फरारी वरारी। अगर आपको अच्छे से अगर मज़े में देखना है तो वर्कशीट 44 देख लीजिए, काफ़ी मैंने फन टाइप में इस स्टोरी को एक्सप्लेनेशन कर रखी है, और इसका चार आपके आंसर हैं। अगर आपको आंसर नहीं मिल रहे हैं तो इसमें तो मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैंने दूसरे कॉपी में लिखे हुए थे इसके आंसर। अगर आपको देखने तो वर्कशीट 44 सर्च करेंगे, या तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा वहाँ पर जाकर देखेंगे, तो मैंने आपके चारों चारों आपके आंसर यहाँ पर मिल जाएंगे, और उसका स्क्रीनशॉट आसानी से आप ले सकते हैं। व्हाई डिड द डिसिपाइल डिसाइड टू स्टे व्हाइल द गुरु डिसाइडेड इन इट वाज नॉट सेफ, जो इसका चेला होता है वो क्यों सोचता है कि हम यहीं पर रहते हैं, गुरु कहता है नहीं भैया यहाँ पर सेफ नहीं है, हमें जाना चाहिए, क्योंकि गुरु को पता था पागलों का साम्राज्य है। हाउ डिड द डिसिपाइल रियलाइज हिज मिस्टेक, उसको अपनी रियलाइज कब महसूस होती है, जब वो ले जाते नहीं है जो किसी जिसने चोरी कर रखी होती है, पता चलता है वो चोर जो फंदा बना रखा है उस चोर के गले में नहीं आ रहा, तो ऐसा बंदा खोजो जिसके गले में आ रहा हो, तो इसी गुरु के चेले के गले में फिट बैठ रहा था, तो इसी वजह से वो कहते नहीं यार मिस्टेक तो कर दी हमने। विच क्लेवर ट्रिक डिड द गुरु प्ले टू द सेव हिज डिस्पाइल, गुरु ने कैसा मतलब चलाकी से अपने चेले को बचाया। तो इस प्रकार कुछ क्वेश्चन थे, अगर आपको देखने तो वर्कशीट आपको 44 जरूर देखनी चाहिए, ठीक है। तो एक ही वीडियो काफ़ी लंबी हो जाते हैं जिसे अपलोड करने में भी थोड़ा सा समय लगता है, इस बात को आप समझेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आता है द हैप्पी प्रिंस,
कौन सा? द हैप्पी प्रिंस, यहाँ पे द हैप्पी प्रिंस वाला है आपका। द हैप्पी प्रिंस की जो वर्कशीट है आपकी 57, और इसमें से क्या पक्का इसमें से आएगा द हैप्पी प्रिंस में से, ठीक है। द हैप्पी प्रिंस में से पक्का आएगा, अगर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखाऊँ, ठीक है, तो देखेंगे तो हैप्पी प्रिंस में से ये रहा, सीधे 8 नंबर का आया है। 8 नंबर ध्यान से देखोगे, मैंने पिछली बार भी दिखाया था आपका, अगर मैं दिखा दूँ, अगर कई बच्चे कह रहे ठीक से दिखाया नहीं था मैंने, बच्चों देखो ठीक से देख लो अच्छे से, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, ठीक है। ये रहा 8 नंबर में, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 था आपका, व्हाई डिड गॉड्स एंजल चूज द हैप्पी प्रिंस एंड द सोलो टू डू टेकन बाय गॉड्स पैराडाइज, ठीक है। तो हैप्पी प्रिंस का है वो हार्ट लेने क्यों आए थे वो, तो ये सोचने वाली बात थी आपकी, और ये भी यहीं पे था ही, ठीक है। ये रहा सेम टू सेम, व्हाई डू यू थिंक द एंजल गॉड्स टू द लेटेंट हार्ट ऑफ हैप्पी प्रिंस एंड द डेट ऑफ स्लो टू द गॉड, ठीक है। तो यही वाला आपको आंसर अगर इसमें मिला के आप लिख देंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो 100 से 120 शब्दों में लिखना है, 40 से 50, वो 100 से 50 शब्दों में था, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और देखेंगे थोड़ा सा इन्होंने डार्क प्रिंट भी कर रखा है, तो मे बी शायद ये आपका सही और ठीक बैठे, ठीक। और बाकी जो क्वेश्चन है आपको अगर इसके, और अगर आपको इसका आंसर नहीं मिल रहा होगा तो आपको पता ही है कि मैंने बार बार कह रहा हूँ ये बात, मैं जो वर्कशीट 57 है आपकी, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहाँ से आप कर सकते हैं। आपको पता होगा कि दोबारा से वर्कशीट आ रही है, तो आप लोगों के लिए बच्चे नहीं है, वो जो नए सीजन बच्चे 8वीं से 9वीं में आए हैं ना, ये उनके लिए है। और वैसे भी ये स्कूल में वर्कशीट की कोई इज्जत ही नहीं की गई, वर्कशीट की जो बच्चे करके गए, जिसने 10, 5, 15 जिसने फुल कर रखी है, कोई मतलब टीचर नहीं कह रहा शाबाश बच्चे बहुत अच्छा काम किया, कुछ नहीं। अब पूरा वर्कशीट में से भी क्वेश्चन आंसर आता तभी भी सही था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि आपके वर्कशीट से ही लिंक कराऊँ चीज़ें, तो यही है। और उम्मीद है ये चीज़ें आप करेंगे उसमें, अगर मैं आपको दिखाऊँ, और मैं अगली वीडियो में जल्दी से दिखा दूँगा आपको बी सेक्शन में, ठीक है। इसमें मैं यही सेक्शन रखे, बी सेक्शन में डायरी एंट्री है, डायरी एंट्री मोस्टली आप जो कोरोना वायरस आ रहा है इसको ध्यान में रखते हुए लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये इस प्रकार से आ सकते हैं, एक आर्टिकल आएगा, ठीक है। तो ये सब मैं स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। कई बच्चे कहते हैं कि मुझे टेलीग्राम पर पेपर नहीं मिल रहा है, तो यहाँ ले लो बच्चे, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 5 का स्क्रीनशॉट यहाँ से ले लीजिएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है, स्क्रीनशॉट आसानी से ले सकते हैं। और ये तो मैंने पिछले वाली वीडियो में दिखा भी दिया था, ये पिछले साल का है, कोई यार ना सोचे अब की बार का यार, ठीक है, 2019-20 का है। कई बच्चे सोचे कि सर जी इसी साल वाला दिखा रहे हैं क्या, वो यही यही याद करके जाएगा। और दोबारा बता दो, अब्दुल कलाम वाला आया है 8 नंबर में, हैप्पी प्रिंस वाला है 8 नंबर में, 8, 8, 16 नंबर तो इसी प्रकार से आपके तो ठोस हो ही जाते हैं, ठीक है। और देखो ईश्वरन वाला यहाँ पे, तो ईश्वरन वाला आपके आप में आपके पास था ही नहीं, बाकी आप एवरी जेंसी वाला, आइंस्टाइन वाला, और केजिया वाला, और टोटो, देखो या वाई वाज द टोटो रिटर्न टू हिज टोंगा ड्राइवर, टोंगा ड्राइवर पास पहुँचे वो बंदर क्यों वापस आ गया, तो भैया इन्होंने देखो ये रहा क्यों वापस आ गया था, क्योंकि वो उसके दादाजी को काफ़ी परेशान कर रहा था, और काफ़ी चीज़ों को तोड़ फोड़ रहा था। वैन द टोटो वाज फाइनली एक्सेप्ट इन हिज होम, ही कम्फर्टेबल एट होम, स्टेबल रुक गया, लेकिन बाद में क्या, ही इन्जॉय वर ही ऑलवेज अप टू सम ऑन द अदर मिसचीफ, वो हमेशा कुछ कुछ शरारत करता रहता था। ही टोर द सर्टेन, उसने पर्दे को फाड़ दिया, क्लोज वॉल पेपर एंड द ब्रोकन द डिसीज, टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट दे कुड कीप फॉर लॉन्ग, वो इतना शरारती हो गया कि उसे लंबे समय तक रख नहीं सकते थे। फाइनली ग्रैंड फादर रिटर्न हिम, उसे टोंगा ड्राइवर को 3 रुपये में वापस कर दे, 5 में खरीदा था 3 में वापस कर देते हैं। इस समय में इसका आंसर हो गया 30 से 40 शब्दों में आपको आंसर देना था इसका, ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। उम्मीद है चीज़ें आपको कुछ ना कुछ नई मिली होगी, कोई नई जानकारी मिली हुई होगी। अगर आपको थोड़ा सा बेनिफिट होता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, जिससे थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे मिलता रहे। और टेलीग्राम पे मैं कोशिश करूँगा कि आपको और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे पाऊँ। मैं इसी क्लास की इस वीडियो को देखने के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।